आज हम बात करेंगे एक ऐसी युवा नारी जो चली तो अकेले थी, पर जब चली तो लोग उसके साथ जुड़ते गए और कारवां बनता गया। जी हाँ, एक ऐसी संस्था जो बौद्धिक अक्षमताओं से पीड़ित बच्चों के जीवन में उजाला लाने की कोशिश कर रही है, और उनकी यह सफलता इस हद तक जा पहुंची है कि युवाओं के लिए एक प्रेरणा और समाज के लिए एक मसीहा बनकर सामने आई है। तो आइए आज हम चलते हैं विवेक के पास, जो हमें उनसे रूबरू कराएंगे। नमस्कार, आज महिला दिवस है और महिला दिवस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बॉबी रमानी जी, जो कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से जुड़े तमाम मुद्दों पे काम कर रही हैं। आइए आपको सीधे उनसे रूबरू करवाते हैं। स्वागत है बॉबी जी आपका। बॉबी जी, आपकी ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये जो आपकी आई सपोर्ट फाउंडेशन है, क्या करती है ये? हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है आई सपोर्ट फाउंडेशन, वो मानसिक मंदित बच्चों पर काम करती है, जिसको हम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स भी बोलते हैं। ये एक तरीके का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसपे हम ऑटिस्टिक, मेंटल रिटार्डेशन, सेरेब्रल पाल्सी और अदर मल्टीपल डिसेबिलिटीज के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, यूनिफॉर्म, स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए स्कूल में ट्रेन करते हैं। तो बॉबी जी, इस काम के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? आप ऐसी फील्ड में आए, इसके लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? मैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल रीजन की वजह से इस फील्ड में आई थी। मेरा जो छोटा भाई है उसको ऑटिज्म है, वो स्वालीनता से ग्रसित है, तो दिस इज समथिंग विच आई हैव लिव्ड विद, सो आई फेल्ट कि ये मेरा मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस क्षेत्र में मैं आऊँ और इस क्षेत्र में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दूँ। जी, अक्सर हमने ऐसा देखा है कि ऐसे जो बच्चे होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट होते हैं, तो आपको इन बच्चों के साथ ऐसी कई बार दिक्कतें आई होंगी, तो आपने जैसे अगर आप इन बच्चों को कभी बाहर लेके गई होंगी, तो कोई ऐसा वाक्या जो आप शेयर करना चाहें कि बच्चे इम्पेशेंट हों और आपने उसके लिए कुछ किया हो, कोई स्टेप लिया हो? देखिए, ये एक बहुत ही बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम कहीं भी नई जगह जाते हैं तो बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत हैप्पीनेस होते हैं। हमारे बच्चे बहुत प्योर हैं, इसलिए वो ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, ज़्यादा हैप्पी होते हैं। तो हाँ, थोड़ा पेशेंस रिक्वायर्ड है एक्स्ट्रा, इसीलिए ये स्किल्स आते हैं साथ में, इसीलिए एक ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है स्पेशल बच्चों को ले जाने के लिए। रिसेंटली हमने एक ड्राइव किया था जो कि हमने टैग किया था डिफरेंट एबल फ्रेंडली लोकेशंस को। उससे ये होता है कि अगर कोई भी स्पेशल बच्चा किसी रेस्टोरेंट जाता है तो रेस्टोरेंट वाले सबसे पहले उसे सर्विस देंगे, सबसे पहले खाना ला करके देंगे, और अगर खाना लाने में 5-10 मिनट देर होती है, तो ऑफकोर्स 5-10 मिनट टाइम लगता है, तो वो उसको एक किट देते हैं। उस किट में सारा सामान होता है ड्रॉइंग से रिलेटेड, क्ले से रिलेटेड, तो इन द मीन वाइल बच्चा अपने आप को एंगेज रख सकता है उसमें। सो अभी हमारे पास लखनऊ में ऐसे 26 रेस्टोरेंट्स हैं जिनको हम डिफरेंट एबल फ्रेंडली कह सकते हैं, तो अगर हमारे बच्चे जाएंगे उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा वहाँ पर। तो बहुत बड़ी बात है, मतलब आपकी एक मुहिम इतना बड़ा काम करी है। अगर तो मैम, आप एक युवा हैं और एक महिला भी हैं, आप आज महिला दिवस है, तो आप एक युवा होने के नाते और एक महिला होने के नाते युवाओं को और महिलाओं को अगर आप कुछ मैसेज देना चाहें? हाँ, एक मैसेज ये है कि हमारी टोटल पॉपुलेशन का 50% महिलाएं हैं, 50% युवा हैं, और युवा और महिलाएं एक इंजन और फ्यूल की तरह काम करते हैं। तो अगर आपके अंदर वो स्किल सेट है, अगर आपको लगता है, और मेरे ख्याल से हर युवा और हर महिला के अंदर होता है कि उन्हें समाज के लिए कुछ करना है, तो अगर वो थॉट है तो उसको प्रैक्टिकली फील्ड पे लाइए, उसको इम्प्लीमेंट करिए, और अगर आप उसको लेकर के 100% डेडिकेटेड हैं तो फिर नथिंग लाइक दैट, थिंग्स कैन हैपन। ये थी आई सपोर्ट फाउंडेशन की फाउंडर बॉबी रमानी जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अगर महिलाओं के अंदर जज्बा है तो वो कुछ भी कर सकती हैं। बॉबी रमानी जी की संस्था पिछले 2014 से ऐसे बच्चों के बीच में काम कर रही है, और आज की डेट में इनके पास 58 बच्चों का एनरोलमेंट है, जहां पे ये सुबह से लेकर शाम तक उनका पूरी तरीके से ख्याल रखते हैं, उनको शिक्षित करते हैं और उनके देख रेख की सारी जिम्मेदारियां निभाते हैं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए एपीएन के साथ। धन्यवाद।